नमस्कार आम स्वतंत्र आलोचना को आपन को स्वागत कर दुर्गाशीष जो आलोचनार विषय वस्तु अच्छी माँ को सम्मान परी और परीर माँ एथिरु बात की शासक दल जो नारा दौची जे माँ को सम्मान सरकार जो कथा कहते मो सरकार ये माने मो सरकार सदस्य नुहति कि गोटे कुनी झी परी को मारिकी फोपाड़ी दिगला तार न्याय लड़े परीर बापा माँ किंतु तांकु न्याय एथिपाई मिलूनी जे तदंतकारी एजेंसी तांक कथा शुणुना पुलिस तांक उपरे निर्यातना करुची आउ एसआईटी तदंत बाटबणा बोली अभियोग होउची जहाँ को दोषी सजाई तार दोष कोर्टे प्रमाणित करें ताले ये माँ को सम्मान ये सौदामिनी मैडम परीर माँ तांकु ये कि सम्मान है सी तो झीवपाई न्याय लड़े ही लड़ुंट ताकु जदि सम्मान दिहाई थांता ताले पुलिस तो निरपेक्ष तदंत करी थांता एसआईटी भी तदंत करी थांता निरपेक्ष किंतु काहे कि होउनी ये बड़ प्रश्न ये परी गोटे पांच वर्षर झियो ता मा बापा आईन रो लड़ई लड़ुछंती ता मा भांगी पड़ी नांती लड़ुछंती गोटे व्यवस्था विरुद्ध रे तांकर ये लड़ई जोठी पूरा नयागढ़ पुलिस तांको स्वर को चापी दवा पई प्रयास करथिला आ ए प्रसंग रे जो माने मो सहित रहिबे तांको सहित आपन परिचय कर दोछि मो सहित ब्रह्मपुर शामिल हेबे बीजेपी नेत्री बबिता पात्र मैडम एवं मो सहित फोन लाइन रे जोड़ी हेबे बालेश्वर प्रज्ञा महंती मैडम बबिता मैडम आपन कोठारु आरंभ करया पई चाहिबि ये माँ को सम्मान कथा कुआ जाउछि किंतु माँ को सम्मान रु परीर माँ बाद पड़ी कि बबिता मैडम प्राथमिक रिएक्शन जो भली भाव ये सरकार माँ को सम्मान ना दौंती जदि प्रकृत में माँ को सम्मान दे था ताहले कौन नारी निर्यातन आमर ओडिशा एक नंबर था कि वर्तमान जो भली परीर घटना साढ़े चार कोटी लोक चाह बसी से गोटे परिकल्पित स्टोरी को सरकार द्वारा रचा जा स्टोरी को तांकोरी जी माने प्रतिनिधित्व करुंती एसआईटी मुख्य अरुण बात्रा जो भाई भाव में लोक निकट में उपस्थापना करुंचा निश्चय हास्यास्पद जदि प्रकृत में माँ को सम्मान दि जाए था ताहले परीर माँ को कौन राति अधेरे उठे निहाई था कि थाना को जेरा करता कि जदि माँ को सम्मान करीर माँ पॉलीग्राफ टेस्ट होता था कि परीर माँ को टंका जचा जाए था कि पांच लक्ष टंका जे तुम्हें तुम बड़ माँ को ना नहीं जाओ परीर बड़ माँ ना नहीं जाओ सीता मारी माँ को सम्मान ना रे सरकार जो भाई भाव में प्रहेलिका खेलुं निश्चय साढ़े चार कोटी लोक बर्तमान बुझीगले ओडिशार जे जो भाई भाव प्रहेलिका खेलुं परी जदि माँ को सम्मान दिखे परी कौन से मो सरकार मो पर कौन सदस्य नुहे कि परी को सम्मान देवाई परीर परी को न्याय देवाई तार कौन पर निरपेक्ष तदंत करना सरकार कहीं डर सीबीआई तदंत गोटे निरपेक्ष तदंत सरकार कहीं डर यही प्रश्न आम पचारिचु आरंभ पचारु आज पचारु जे सरकार डरुचंदी कौन पे हाथ रस जो भाई भाव घटना घटला यूपी सरकार तो सीबीआई तदंत करने को दे आज गोटे पर गोटे घटना आज लोकों सम्मुख को आसूची आज आम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तापर मध्य सी निजर वक्तव्य रखिंट जे पर घटना को सीबीआई तदंत कर ये महिला मान जो कार्ड खेलुं जे महिला मानक आम सम्मान दौचु यह सम्मान दौरान जदि सम्मान दे था ताले कुंदली पीड़िता आज आत्महत्या कहीं करता जदि सम्मान दे था आज पर्यंत मलकानगिरी से महिला प्रकृत घटना कहीं उन्मोचन हो पारना जदि प्रकृत में माँ को सम्मान दिहाई था आज पिपिली बेबिनार दोषी मैंने आज धरा पड़ी था सम्मान माँ को सम्मान ना रे सरकार केवल लोकंर इमोशनाल सहित खेलुं जिते बड़े इलेक्शन आसूसी से माँ मान सम्मान दौचु आम कही किसी भाव से ललिपॉप देखा भोट हासिल करता मैडम उठाऊ भोट बेले ललिपॉप दि जाऊँच महिला भोट पाई किंतु कुंदुली पीड़िता को न्याय मिलला कि सी मार सम्मान पाइला कि टिकिना केस कुंदुली कथा कहतु पिपिली केस कहतु एम को न्याय मिली कि आउ बड़ कथा जो कथा उठाऊ जो निर्यातना दि जाइए नयागढ़ पुलिस जो निर्यातना देटा कौन माँ को सम्मान ये तो मो पाखे डॉक्यूमेंट अच्छी ये तो सांघातिक डॉक्यूमेंट ये स्टेट फोरेन्सिक लैब्र डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट कौची जे जो सीमेंट परीर फ्रक रु मिली से सीमेंट कहार कहीहब ना प्रमाण करहब ना से सीमेंट्र ग्रुपिंग हो पार नहीं जदि सीमेंट ग्रुपिंग होनी
ତାହେଲେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ମିଳିବ? କେଉଁ ଆଧାରରେ ରେପ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏ ସିମେଣ୍ଟ ତ କାହାର ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ ଦୋଷୀକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? କେମିତି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଯଦି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ତାହେଲେ ମାଆକୁ ଏ ସମ୍ମାନ କେମିତି? ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନରୁ କ'ଣ ପରୀ ଆଉ ପରୀର ମା ବାଦ କି? ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଭାବରେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇକି କହୁଥାନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଆଗେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଶ ଉଠିବ, ଓଡ଼ିଶା ଉଠିବ, ଓଡ଼ିଶା ହସିବ। ଯେତେବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ସେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଆ ବୁଲଉଥାନ୍ତି, କେବଳ ତାକୁ ଆଇୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ଏଇଟା କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଭାବୁଛି ଏମିତି ପ୍ରତିଥର କହି କହିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ସେଇ କଥାଟି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ସାରନ୍ତାଣି, ବେବିନା ନ୍ୟାୟ ପାଇ ସାରନ୍ତାଣି, ଇତିଶ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ସାରେ, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି କାନ୍ଦୁ ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ବି ତାର ଆତ୍ମା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ଘର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ମାରିଲା ଥାନା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ମହିଳା କଣ ମାର ସମ୍ମାନ ନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଆପଣ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମହିଳାଟାକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପୋଲିସ ଛିଡା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ମାର ସମ୍ମାନ ନଥିଲା? ଆପଣ ମାର ସମ୍ମାନ କୋଉଠି ଦେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଆସେ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖେଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ 75 ବର୍ଷର ମହିଳା ବିଷୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିବ ଯେ ଆମେ ହଉଛି 50% ମହିଳାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖୁଛୁ ବୋଲି। ଆରେ ରାଜନୀତିର ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦବା। ଯଦି ନାରୀଟିକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରୁନି, 5G କାମ କରୁନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ବେଳରେ ମହିଳାଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଥାନାକୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଟେ କାହିଁକି ସଙ୍କୋଚ କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଏଫଆଇଆର ଦବାକୁ? କାହିଁକି ଆପଣ 5G କୁ କହୁଛନ୍ତି 5G 5G ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର? ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ହଉଥାନ୍ତା ପ୍ରତିଟି ମହିଳା ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ବି ଘର କୋଣରେ ମହିଳା ରହିଛି, ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଜମା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କେବଳ ଘଣ୍ଟ ଗୋଳଉଛି, ନହେଲେ ଆଜି ଅରୁଣ ସାହୁକୁ କାଟଗଡାରେ ଛିଡା କରାଇ ସାରନ୍ତାନି, ଆଜି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରନ୍ତାନି ପରୀ ଉପରେ। କାହିଁକି ଲୁଚିକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର କୋଣରେ? କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ଗୋଡଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଚାଦର ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚିତ୍ତରେ ଉଷୁମଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁ ନାହିଁ ପରୀ ମାଆର ଚିତ୍କାର? ପରୀର କାନ୍ଦଣା କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ? ଯଦି ପରୀ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ନିହାତି, ଯଦି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି ତାହେଲେ ସେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କେମିତି? ପୁଲିସ, ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ମାଆକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି? ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ହିଁ କହିବେ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ। ଯେଉଁଦିନ ଝିଅର କାମ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଘିଅ ଖିଆ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସେଦିନ ଆମର ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ବି କରିଥିଲେ, ଗାଁ ଖାଇବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି, ସାହି ଖାଇବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି କରାହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ ହେରି, ସେ 10:00 ଉଠେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ହେରି, ରାତି 12:00 ଗୋଟେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନୁ କି ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଝିଅକୁ ଦିଆ ହେଇକି ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ସେଇ କାମ ବି ଠିକ୍ରେ ହେଲାନି ସେ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଅଧିକା ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯାହା ପଚାରି କଥା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମ ଝିଅର କାମ। ତାଙ୍କର ସେଠୁ କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହିଲେ ସେ ତମେ ପାଟି କରନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ତମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଖଉଛ? ସେ କ'ଣ ତମର ଚାକର, ତମର ମୂଲିଆ? ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ତମକୁ ପଚାରି ତାଙ୍କ ସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ ତାପରେ ଆସି ତମକୁ ପଚାରିବେ, ସେ କ'ଣ ଆସିକି ଏମିତି ପଚାରିଦେବି ତମକୁ? ତମ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ ହବ ଏମିତି? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ମାନେ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଜବରି ପାଟି କଲେ। କାହିଁକି ତମେ ଶୋଉଛ? ହେଠି ବସ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ବେଶୀ କଥା ଶିଖୁଛ ସରସି ନାହିଁ? ବହୁତ ମାନେ ଅବାଗିଆ କଦଜ ଭାଷା କରିକି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପାଟି ଆଉ କିଛି ଖୋଲିପାରିଲୁନି, କିଛି କହିପାରିଲୁନି, ସେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ସମୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ମା, ଇଏ ପରୀର ମା, ଯିଏ ଲଢେଇ କରୁଛି ତା ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାକୁ କ'ଣ କଲା? ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା? ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? 12 ଦିନ ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରେଇ ଦେଲେନି, ପୂଜା କରେଇ ଦେଲେନି, ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ, ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ଯେ ଗାଳି କଲେ, ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲେ ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କି? ଦୁଇରେ DGP ମହାଶୟ ଏତିକି ବି ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିଲେନି, ଯେଉଁ ଟୁଇଟ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଏହା ବି ମେନ୍ସନ୍ କଲେନି ଯେ ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଇଏ ପୁଲିସର, ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଏମାନେ କ'ଣ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି?
बबिता मैडम आप शुणुते सौदामिनी मैडम जो कथा कहते ये माँ को सम्मान आज्ञा दुर्गा सिंह बाबू मुझे जिते नयागढ़ जा से परीर माँ सहित मुझे मिसी परी माँ से कहते जे मो कथा को पुलिस बा पुलिस डिपार्टमेंट हो बा एसआईटी हो टोटाली शुणुना पुलिस डिपार्टमेंट प्रकृत में आमर घरे जदि किछि भी घटना घटला ताहले एक विक्टिम हो कि विक्टिम रो जो माने निज लोक बापा माँ बा निज रिलेटिव मान को पचारती तुम क्या उपरे कौन सी डाउट अच्छी कि संदेह अच्छी कि परीर माँ चित्कार करी कहूँगी चारि पाँच जन ना नौ जमी बाबुली नायक डुगु नायक कानू बेहरा हापी नायक एम ना नौ कि आम आश्चर्य होपण जरिए आम देखा देखा पाच जे एस आई टी टीम अपराधी मानक नहीं कि सी घटन तदंत कर सतरे माँ को सम्मान तार माँ चित्कार कर गोटे माँ मुझे जापी मो झी को कौ भाई भाव में हत्या कर जो मानक दोषी भाव में कहूँ पुलिस से पाखक ही जाऊनी यह कौन माँ को सम्मान गोटे गोटे छोट छुआ पांच वर्ष शिशु को हत्या कर तार अंग प्रत्यंग को खंड खंड कर माँ चित्कार कर मो देह मो झीर देह जिते खंड हाड़ था आज दस बारटा हाड़ अच्छे आकी हाड़ गला कड़े ता माँ कथा को कर्णपात करूना पुलिस पुणी सरकार शुणुना पुणे कैप्टेन दिव्य शंकर जो भाई भाव विधानसभा रखिले जहाँ रेप है कौ भाई भाव से वक्तव्य रखुले गोटे आउ गोटे जिनस जदि माँ को सम्मान मिलूची ताहले राज्य रे जो भली भाबरे महिला मानंको ऊपर अत्याचार माने बढ़ी चली जो भली भाबरे पुलिस प्रशासन महिला माने थाना को गले तांको ऊपर अत्याचार करुछंती ता ऊपर गृहमंत्री गृहराष्ट्रमंत्री वक्तव्य रखंतु काहेकि से चुप बसछंती पाटे काहेकि तुंडी देइछंती पुणी परीर घटना सबुठारु बहुत बड़ एग्जांपल जे माँ को कौ भाई भाव सम्मान मिलूँ सरकार भावुंट जे आम केवल राजनीति में देदेबू 33% से माँ मान को सम्मान मिलजिव जदि माँ मान बारंबार अत्याचार होती प्रति अन्याय होती कौन माँ को सम्मान मिलूँ माँ को कौ भाई भाव सम्मान मिल राज्य सरकार शिखतु केन्द्र सरकार ठू शिखतु मोदी सरकार ठू शिखतु आम नवीन बाबू जे माँ को कौ भाई ये कौ प्रकार माँ को सम्मान जिते बड़े आत्माहुति उद्यम करुले सौदामिनी मैडम आउ अशोक बाबू से चिले चिले दुई जन ना ने मंत्री अरुण साहू आ बाबुली नायक से तदंत परिसर को नवा ये कौन माँ को सम्मान से मैंने जो मानक नाँ अभोग आणुंतु तदंत परिसर को नवा ये कौन माँ को सम्मान से मैंने जो अभोग ताकु न शुणा ये कौन माँ को सम्मान ताको स्टेटमेंट रेकर्ड न करवा ये कौन माँ को सम्मान प्रज्ञा मैडम आपण रिएक्शन नाप चाहिए प्रज्ञा मैडम माँ को सम्मान दबार प्रश्न ही उठुनी जदि माँ को सम्मान दि जाऊता आज जो आप 5000 शिशु निखोज अच्छा भितर केरी निखोज अच्छा से परी मान माँ कौन माँ नुहति से परी मैंने कौन गोटे गोटे झीटे नुहति आगामी काल कौन गोटे गोटे जुवपीढ़ी नुहति से मार सम्मान कौन जाते दल उपरको आसूसी आप माँ का सम्मान को भी भूली जाऊँगी स्मिताराणी विश्वास केस को नियंतु जेकोसी आप आज नि महिला महिला शिशु एटी पूरा भाव असुरक्षित ओडिशा रे असुरक्षित बड़ भितर ओडिशा गति करुच्ची महिला सुरक्षित नहती से आम क्वेश्चन केमती कह माँ को सम्मान आपन जानी भारत बर्षे तृतीय नंबर रोची ओडिशा महिला असुरक्षित ताले मार सम्मान प्रश्न केमती उठू माँ को कौ बाटे सम्मान दि जाऊँगी माँ को जदि सम्मान दबार था आज परी इश्यू केते दिन ताको सट आउट हो सारी था आप देखु आज परी इश्यू जदि ता माँ आत्माहुति न दबा को जाई था आज एत पर्यंत आपण मान गणमाध्यम जदि आगे न था हे ताक भी चापी दि जाई था अन्य घटना भरी कि दुर्भाग्यवशत परीर माँ आज लड़े कर चलती आज एति दूर न्याय पाइबा आशा रखुचु कि आशा बांधी बसीचु जो परी को न्याय मिलू बोली कि आम जानी घंट घर चली सरकार माँ को केवे भी सम्मान नहीं भाव विहल में कहीदे
ନିହାତି କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ପରିରମା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ସିଏ ଯାହା ନଉ ନାଁ ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ କି ମାଆକୁ ସମାନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ସେଦିନ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ये गोटे मा ये ना पाइलानी, यार सरकारी व्यवस्था उपरे शासन कळ उपरे यार भरोसा तुटी जायची, सेथिपई आत्महत्या उद्यम कला। जुलाई 13 रे घटना घटिला, बारंबार पुलिस पाखु को गला, किंतु पुलिस कौन कला, एमानकर पॉलीग्राफ टेस्ट कला, एमानको घंटा घंटा बसैला, एमानको विरोध रे आ जीए निर्यातना कला, ता अगेंस्ट एक्शन हैनी। प्रतिदिवाकर कौन हैला, सी तो टीम लीड करुले इंस्ट्रक्शन नेउथला, ट्रांसफर हैला। ट्रांसफर गोटे पनिशमेंट कि रीना रानी साहू कौन पाई तांको सस्पेंड करा गला, एक कथा भी लिखा जाए सस्पेंशन भी गोटे एक्शन नुह। ताहले ये क्यों कौ प्रकार न्याय, ये कौ प्रकार सम्मान माँ को, जो माँ गोटे लड़ई करुची से न्याय पाई पारुनी, ताहले ये कौ प्रकार सम्मान। या उत्तर कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र दियंतु, आसबि बैतमणा मापण पाखु आसिया पाई चाहिबी। जो माने निर्यातना देले ताको अगेंस्ट एक्शन होनी। परीर हत्या अपहरण गोटे घटना, द्वितीय घटना हूँ चापिदेवाई प्रयास, आउ परीर माँ बापा उपरे बारंबार बारंबार मानसिक निर्यातना, ता अगेंस्ट जो माने करिछंती से माने को अगेंस्ट एक्शन होनी। ये को प्रकार माँ को सम्मान। दुर्गा सिंह बाबू, जदि ई माने बीजेडी सरकार बा मुख्यमंत्री जदि कहउचंती भाव विभोळ होई जे आमे माँ को सम्मान दोचु, जदि मुख्यमंत्री बाबू मुख्यमंत्री महोदय जदि आपण प्रकृत रे माँ को सम्मान दोचंती, ताहले अरुण साहू को शीघ्र बहिष्कार करंतु एवं तांकु तदंत परिसरभुक्त करा जाऊ। एवं जो मानंकर ना चिले चिले कहउचंती परीर माँ से बाबुली नायक हुवंतु बा सेटर समीर रंजन नायक जे कि ग्राम मुखिया जे कि तांकु को पंचायत डाकी कि बसैथिले, तांकु मध्ये तदंत परिसरभुक्त करा जाऊ। एवं से जो मानक जे जो बारे प्रत्युष दिवाकर आज पर्यंत एही घटनार लीड नउथिले तदंत करथिले, से तांकु मध्ये तदंत परिसरभुक्त करा जाऊ। एवं मु शेषरे कहबि जो एसआईटी मुख्य अरुण बात्रा जो भाई भाव में आपको गोटे परिकल्पित स्टोरी को लोकों निकट आपना करा द्वारा परिचालित होती क्या से आनुगत्य देखा सी जदि मो सरकार को आनुगत्य देखते तदन परिसरभुक्त करेतु गोटे घटन गोटे मास तार न्याय पाऊनी तार झी को मारी दि जाए सी आज पर्यंत चित्कार करुच्ची पीड़ित सी निजे निर्यातना दि जा तेणु ए समस्त घटन से परीर माँ जा जार ना नौकरी से तदंत परिसरभुक्त कर विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करें जानवु माँ को सम्मान मिलू माँ को सम्मान ना केवल कार्ड खेलीदे हमी स्वर्ग मुख्यमंत्री माँ को सम्मान ना कार्ड खेल न जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बबिता मैडम, प्रज्ञा मैडम, शेष रियाक्शन ने ये माँ को सम्मान दे पार ना, महिला मान को न्याय दे पार ना, माँ को सम्मान कथा कहते मुख्यमंत्री हमारे ढंग देखते द्वारा किसी नहीं। जदि माँ को सम्मान दौथे आमे दृढ़ भाव में दाबी करू, ताले परी को जदि न्याय दे पारे कुंडली पीड़िता को जदि न्याय दे पारे बेटीना को जदि न्याय दे पारे शह शह महिला जो मैंने आज कष्ट पाई से जदि न्याय दे पारे परी भाया केते 5000 शिशु भितर केते परी जो निखोज होती माँ को जदि न्याय दे पारे यथार्थ आम कहू मुख्यमंत्री का भाव विहल हो कहार माँ को सम्मान निश्चित भाव में किसी मूल्यबोध रही नचे आम कहू से जो वंदे उत्कल जननी माँ को सम्मान ए सब जो नाटकबाजी करुँच ए नाटकबाजी केते दिन चलो सारा
ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦବ। କେତେ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାଙ୍କର କାନ୍ଦଣା କଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିକି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦବା, ପରୀର ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଛନ୍ତି, ପରୀର ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରିପାରିଲେ। ନଚେତ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଏମା ବାବୁଲି ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି କେତେ ଦିନ ରଖିବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି କେତେ ଦିନ ରଖିବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବବିତା ମ୍ୟାଡମ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରଚନା କରାଯାଉଛି ତାର ରଚୟିତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନୁହଁ ତ? ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମା ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ତାହେଲେ ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କିଭଳି ହେଲା? ନା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏ ସ୍ଲୋଗାନରୁ ପରୀ ଆଉ ତାର ମା ବାଦ କି? ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କସନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।